हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जानिए किस प्रकार ग्रीन टी आपके वजन को कम कर सकती है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ग्रीन टी में भरपूर पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ग्रीन टी कैमेलिया साइनेसिस पौधे की पत्तियों से प्राप्त होती है। ग्रीन टी शरीर को स्वस्थ रखने के साथ वजन कम करने में भी मदद करती है। ग्रीन टी फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ा देता है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है जिससे शरीर इन्फेक्शन से ग्रसित कम होता है। अगर आप वजन कम करने के सभी तरीके अपना चुके हैं तो ग्रीन टी का सेवन करना शुरू कर दें। इससे आसानी से वजन कम किया जा सकता है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीन टी वजन कम करने में कैसे मददगार है। ग्रीन टी में फैट कम करने वाले पोषक तत्व होते हैं। ग्रीन टी में बायो एक्टिव होता है जो कैफीन और ECG होता है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे फैट बर्न करने की प्रक्रिया उत्तेजित होती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज के दौरान फैट बर्न करने में मददगार ग्रीन टी में बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो फैट बर्न करने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। ये प्रभाव तब और बढ़ जाता है जब आप एक्सरसाइज करने से पहले ग्रीन टी का सेवन करते हैं। ग्रीन टी एक्सरसाइज के दौरान फैट बर्न करने में मदद करते हैं। बूस्ट मेटाबॉलिक रेट, सोते व बैठते समय भी हमारे शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ग्रीन टी का सेवन करने से ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। ग्रीन टी का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है जिससे व्यक्ति 3-4% अधिक कैलोरी बर्न कर सकता है। वसा, कोशिकाओं से वसा मोबिलाइज करती है। फैट बर्न करने के लिए सबसे पहले फैट सेल्स को तोड़ना होता है ताकि वो अच्छी तरह असर दिखा सके। ग्रीन टी में मौजूद सक्रिय यौगिक इस प्रक्रिया को बूस्ट करते हैं। ग्रीन टी में मौजूद यौगिक हमारे शरीर में हार्मोन्स का लेवल बढ़ा देता है जो फैट सेल्स को फैट ब्रेक करने में मदद करते हैं जिससे ये हमारे शरीर में ऊर्जा की तरह मौजूद होता है। इससे वजन कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।